अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फ़ैमिली एंड माय डियर एस्पिरेंट्स उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं व्हाट इज़ इनिशियल टेस्ट इनिशियल टेस्ट क्या है एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनिशियल टेस्ट इनिशियल टेस्ट का मतलब क्या है एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इनिशियल टेस्ट इनिशियल टेस्ट की अहमियत क्या है एंड हो मैनी पोर्शन इंक्लूडिंग इन इनिशियल टेस्ट इनिशियल टेस्ट के अंदर कौन कौन से पोर्शन होते हैं एंड वट आर द टॉपिक्स इंक्लूडिंग इन इनिशियल टेस्ट और कौन कौन से टॉपिक्स हम तैयार करें जो इनिशियल इनिशियल टेस्ट में होते हैं सो डोंट वरी अबाउट इट आई एम हेयर टू टेलिंग यू ईच एंड एवरी थिंग सो ये वीडियो आपके लिए मैं बहुत ही कीमती बनाने वाला हूँ क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इनिशियल टेस्ट के बारे में इनिशियल टेस्ट का मतलब ये है कि इब्तदाई टेस्ट इब्तदाई टेस्ट वो कि हम पाकिस्तान आर्मी हो नेवी हो या एयरफोर्स हो इन तीन फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए हमें इनिशियल टेस्ट देना पड़ता है इसका मतलब इब्तदाई टेस्ट होता है ठीक है और इसकी अहमियत आपको लास्ट पे बताऊंगा। अब तीसरा पॉइंट पे चलते हैं व्हाट इज़ क्राइटेरिया एंड टॉपिक्स इंक्लूडिंग इन इनिशियल टेस्ट ओके सो बताता चलूँ इनिशियल टेस्ट के अंदर थ्री पोर्शन होते हैं फर्स्ट वन वर्बल पोर्शन सेकेंड वन नॉन वर्बल पोर्शन एंड थर्ड वन विच इज़ लास्ट एकेडेमिक पोर्शन दीज थ्री टॉपिक्स इंक्लूडिंग इन द इनिशियल टेस्ट ऑफ पाकिस्तान आर्मी पी एम ए वन फिफ्टी लॉन्ग कोर्स ओके सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम वर्बल पोर्शन ओके डू यू नाउ द मीनिंग ऑफ वर्बल वट इज़ वर्बल वर्बल किसे कहते हैं वर्बल का मतलब वो है कि हम जो चीज़ें मुंह से बयान करें और अगला बंदा उस चीज़ को समझ जाए इसे कहते हैं वर्बल और पाकिस्तान आर्मी के इनिशियल टेस्ट के अंदर पहला पोर्शन ही वर्बल का आता है वर्बल इंटेलिजेंस पार्ट ओके वर्बल इंटेलिजेंस पार्ट में 84 फोर होते हैं जो हमने 30 मिनट्स में करने होते हैं ओके द टाइम मैनेजमेंट इज़ द इम्पोर्टेंट की इन द इनिशियल टेस्ट ऑफ पाकिस्तान आर्मी एज वेल एज नेवी और एयरफोर्स ओके आपको अगर टाइम मैनेज करना आता है तो आप इनिशियल टेस्ट बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना मैं आपके साथ हूँ और आपको एक एक चीज़ इनशाला गाइड करूंगा ओके ऑन माई स्क्रीन आई शेयर द टॉपिक्स ऑफ वर्बल पार्ट ऑन माई राइट साइड सो माई डियर एक्सपीरियंस आफ्टर क्लियरिंग योर वर्बल पोर्शन द न्यू स्क्रीन विल बी ओपन ऑन योर कंप्यूटर विच इज़ नॉन वर्बल पोर्शन डू यू नो वट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉन वर्बल नॉन वर्बल उसे कहते हैं जो हम मुंह से बयान ना कर पाए ऐसी चीज़ें जो मुंह से बयान करके दूसरे बंदे को समझ ना आए उसे कहते हैं नॉन वर्बल नॉन वर्बल का वो मतलब होता है जिसके अंदर डायरेक्शंस होती हैं एरोज होते हैं और मुख्तलिफ़ शेप्स दिखा के बयान की गई होती हैं उसे कहते हैं नॉन वर्बल पोर्शन नॉन वर्बल पोर्शन में 64 फोर एम सी क्यूज होते हैं जो आपने 30 मिनट्स में अटैम्प्ट करने होते हैं और पास होने के लिए 32 रिक्वायर्ड होते हैं लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस uh, को फिल करें ताकि आपका लास्ट पे जब मेरिट बने और आप मे आर पे पुराएँ और आपकी सिलेक्शन हो जाए ठीक है दीज आर द टॉपिक्स ऑफ नॉन वर्बल पोर्शन विच आर शेयर ऑन माई स्क्रीन So let me tell you about the academic portion in academic portion there are 6 topics including first one GK which is general knowledge second one which is world general knowledge third one which is islamiyat fourth one which is PS fifth one which is english and last mental math these 6 topics are including in academic portion if you prepare these topics then you crack academic portion very easily सो लेट मी टेल यू अबाउट देडेमिक पोर्शन हो मेनी एम सी क्यूज आर रिक्वायर्ड टू अटैम्प्ट देर आर फिफ्टी एम सी क्यूज इन एकेडेमिक पोर्शन एंड एटलीस्ट ट्वेंटी फाइव पोर्शन पच्चीस पच्चीस एम सी क्यूज जो अटैम्प्ट करता है वो पास कर जाता है एकेडेमिक पोर्शन में से लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करें ये नब्बे मिनटों में आपने वर्बल नॉन वर्बल और एकेडेमिक पोर्शन तीन टेस्ट क्लियर करेंगे तब आपका इनिशियल टेस्ट क्लियर होगा अगर तीनों में से एक भी टेस्ट में आप लैग करते हैं या नॉकआउट हो जाते हैं तो आप अगला टेस्ट नहीं दे सकते आप वहाँ से ही घर वापस जाएंगे सो प्रिपेयर फ्रॉम नाउ दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो तीसरा पोर्शन होता है एकेडमिक पोर्शन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और उसी के अंदर ही मोस्टली सेवेंटी टू एटी परसेंट जो कैंडिडेट्स होते हैं वो फ़ेल कर जाते हैं क्यों फ़ेल कर जाते हैं क्योंकि उन्हें जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स पी एस इस्लामियात इंग्लिश और मेंटल मैथ के क्वेश्चंस की उन्होंने तैयारी नहीं की होती इसीलिए वो टुके मारते हैं और फेल होके आ जाते हैं अगर आपने बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना आपने डेली जनरल नॉलेज को पढ़ना है इस्लामियात के क्वेश्चन को रीड करना है मैंटल मैथ के क्वेश्चन को रीड करना है ठीक है तब भी आप क्वालिफाई कर पाएंगे अपना इनिशियल टेस्ट सो आई होप आप मेरी एडवाइस पे अमल करेंगे क्योंकि मैं आपका यहाँ पे बैठा हूँ आपको एडवाइस ही कर सकता हूँ अमल तो आपने खुद ही करना है अपने फ्यूचर के लिए उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये एडवाइस बहुत साबित हुई होगी अपने एकेडमिक पोर्शन को बेहतर करें वर्बल और नॉन वर्बल पोर्शन बहुत ईजी है उसे बंदा तीन से चार बार प्रैक्टिस करें मैं आपको वेबसाइट भी शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जिससे आप वर्बल और नॉन वर्बल पोर्शन की प्रैक्टिस कर सकते हैं और एकेडमिक पोर्शन की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ठीक है एंड इन लास्ट डोंट फॉर गेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल शेयर माय वीडियोस विद योर फैलोज अगर आप मेरी वीडियोस किसी और के साथ भी शेयर करेंगे अल्लाह ताला उसका भी फ़ायदा करवाएगा अगर उसका फ़ायदा होता है तो वो उसका फ़ायदा किसकी वजह से होता है आपकी वजह से होता है और इन इसी वजह से आपका टेस्ट भी क्वालिफाई हो जाएगा और आपके दोस्त का भी हो जाएगा पास और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मेहनत करें अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ आल्सो फॉर योर फैमिली अल्लाह हाफिज